इसे सॉल्व कर सकते। तो हमने अपने पहले पार्ट का अनुवाद और उसका अभ्यास कार्य पूरा कर लिया था और मैंने आपसे कहा था सब नोटबुक से आप नोट कर लीजिए। आज हम लेंगे आपके तीसरा पार्ट स्वराष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र का गौरव, जिसमें अपने देश के गौरव को श्लोकों के माध्यम से कवि ने बताया है। तो आज हम आपके इस पार्ट के दो श्लोक लेंगे जिसके द्वारा हम अपने देश के गौरव के बारे में जानेंगे। पहला श्लोक है आपका उत्तरम यत् समुद्र से हिमाग्नि च एव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत् समुद्र। अब देखिए कितना आसानी इसका अनुवाद क्या करा इसमें यत्, यत् माने जो, समुद्र से यानी समुद्र के, जो समुद्र के उत्तरम, उत्तर में जो समुद्र के, समुद्र कौन सा है आपका हिंद महासागर, तो जो समुद्र के उत्तर दिशा में, उत्तरम यानी उत्तर दिशा में हिमाद्रे, हिमाद्रे यानी हिमालय के दक्षिण में यानी दक्षिण दिशा में हिमाद्रे यानी हिमालय के और दक्षिण में यानी दक्षिण दिशा में हिंदू सरोवरम यावत, हिंद महासागर तक जो भूमि है,
देशम उस देवताओं द्वारा निर्मित देश को हिंदुस्तान प्रत्यक्षते हिंदुस्तान कहा जाता है। दोनों श्लोकों के आपको मैंने शब्दार्थ बता दिए और अनुवाद भी बता दिया है, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, एक बार और रिवाइज कीजिएगा या आपको